आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चरम पर है। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा समाजवादी पार्टी पर किए गए लाल टोपी वाले तंज पर अब राजनीति गर्मा गई है। एक और जहाँ पीएम के इस कटाक्ष पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को ही मेरठ में हुई जनसभा में जवाब दिया था, वहीं आप सांसद संजय सिंह इसे आरएसएस की काली टोपी तक ले गए थे। बुधवार को एक बार से पत्रकारों के सवालों को जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के इस बयान का जवाब देते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी में लाल टोपी बदलाव का प्रतीक है, यूपी बदलाव देखना चाहती है। भाजपा द्वारा किए गए वादे जुमला मात्र है, वह लगातार लोगों से झूठ बोलते रहे हैं। उन्होंने जनता को गुमराह किया है। क्या उन्होंने अपने वादे पूरे किए? क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? क्या युवाओं को नौकरी मिली? तो वहीं बता दें कि अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो लोग जनता की संपत्ति बेचते हैं वो लाल रंग से डरते हैं। आज तक ये जुमलों वाली सरकार रही है, अब ये बेचू सरकार भी हो गई है। वो ऐसे मुद्दे इसलिए उठा रही है क्योंकि वो असल मुद्दों पर बहस नहीं चाहते हैं। अब तक लिए बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए हमें अपनी राय जरूर बताएं।